मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और उसके अंतर्गत हम यूनिट फोर्थ कर रहे हैं। यूनिट फोर्थ में हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो है सरल आवर्ती दोलन। इसमें हम पहले सरल आवर्त गति क्या होती है उसका अध्ययन कर चुके हैं, उससे संबंधित जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनके सूत्र हम ज्ञात कर चुके हैं, उनका विस्थापन के साथ और समय के साथ उनका क्या परिवर्तन है उसको हम ग्राफिक की विधि से देख चुके हैं, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देख चुके हैं। अब हमने जो नेक्स्ट शुरू किया था पिछले लेक्चर में वो है सरल आवर्त गति के विभिन्न एग्जाम्पल्स उदाहरण। उसमें से हमने पहला उदाहरण लिया था स्प्रिंग का, और स्प्रिंग के अंदर हमने एक भार लगा के और उसको उसमें दोलन उत्पन्न कराए थे। दो प्रकार से कर चुके हैं हम, एक तो क्षैतिज प्रकार से और दूसरा ऊर्ध्वाधर, जब भार लटकाया गया तब उसमें कैसे दोलन होंगे और उससे संबंधित हमने आवर्तकाल ज्ञात कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम आगे स्प्रिंग का ही हम दो तीन केसेस और करेंगे। उसमें सबसे पहला जो केस है वो है दो समानांतर स्प्रिंगों से लटके द्रव्यमान का दोलन, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड बाय टू पैरेलल स्प्रिंग्स। तो दो समानांतर स्प्रिंग जो हैं उनको कुछ इस तरीके से हम लटका सकते हैं। ऊर्ध्वाधर हम चित्र में जैसे दिखाया हुआ है ऐसे दो समानांतर स्प्रिंग ले ली हमने और उस पर उन दोनों को एक कॉमन भार से हमने लटका दिया। दूसरा समानांतर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमने क्षैतिज रूप में दो स्प्रिंग ले ली और बीच में हमने एक द्रव्यमान लगा दिया, तो दोनों ही स्थिति में हम मास को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो वो ऊपर नीचे दोलन करेगा जिसके कारण ये स्प्रिंग भी खिंचाव महसूस करेगी और प्रत्यानयन बल उत्पन्न करेगी। ऐसे ही इसके अंदर भी मास को थोड़ा सा एक और विस्थापित करेंगे तो एक बार ये प्रत्यानयन बल लगाएगी एक बार ये, इस तरीके से एक बार इधर दबाव आएगा एक बार इधर दबाव आएगा और इस तरीके से दोलन होंगे। अब इस प्रकार के जो हमारी घटना है इसके लिए भी हम पहले ये सिद्ध करेंगे ये भी एक सरल आवर्ती घटना है और इसका हम टाइम पीरियड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने ये मान लिया ये जो दोनों स्प्रिंग हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने अलग अलग लिया है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे का K2 है, और क्योंकि मास कॉमनली बंधा हुआ है तो अगर हम उसको विस्थापित करेंगे तो दोनों ही जो है द्रव्यमान जो है नीचे जब खिसकाएंगे तो उसका जो विस्थापन है वाई वो दोनों ही स्थितियों में समान रहेगा। तो हमारा जो स्प्रिंग द्वारा जो लगाया गया प्रत्यानयन बल है वो दोनों स्प्रिंग में अलग अलग होगा, तो उसको हमने नाम दे दिया F1 और F2। तो F1 का सूत्र के हिसाब से क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के -K1Y, क्योंकि Y सेम है, और F2 के अंदर -K2Y हो जाएगा। तो M द्रव्यमान पर जो परिणामी प्रत्यानयन बल होगा वो कितना हो जाएगा माइनस F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते तो -K1 प्लस K2 Y के बराबर हो जाएगा। K1 प्लस K2 को हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कुल प्रभावी बल नियतांक हो गया। अब हम इसको पुनः अगर हम d2x/dt² के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म हम ऑलरेडी पहले स्प्रिंग के केस में निकाल चुके हैं और ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक सरल आवर्ती गति की समीकरण है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना निकाला था हमने t=2π√m/k से ज्ञात किया था, तो वही हम इसके अंदर भी लगेगा, बस यहाँ k का जो मान है वो k ना होके k1+k2 होगा। तो ये इस प्रकार से इस वाले कॉम्बिनेशन में भी टाइम पीरियड हम ज्ञात कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमने क्या करा, एक स्प्रिंग से पहले दूसरे स्प्रिंग को जोड़ा और फिर मतलब श्रेणी क्रम में स्प्रिंग को जोड़ा और फिर द्रव्यमान इस पर लटकाया गया। तो K1 स्प्रिंग है, फिर उसके बाद K2 स्प्रिंग है और फिर द्रव्यमान लगाया गया। ऐसे में जब हम इसको विस्थापित करेंगे तो जो विस्थापन है दोनों के अंदर समान नहीं होगा। हाँ, उन दोनों का अगर y विस्थापित होता है ये, तो उसमें से कुछ विस्थापन y1 इस स्प्रिंग का होगा और कुछ विस्थापन इस स्प्रिंग y2 का होगा, है ना। तो इसके अंदर हमारा जब m द्रव्यमान से y दूरी पर विस्थापित करने से दोनों स्प्रिंग में समान प्रत्यानयन बल उत्पन्न होंगे, लेकिन बल क्या होगा, दोनों में बल उत्पन्न समान रहेगा परंतु डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसमें डिफरेंट होंगे। तो इन स्प्रिंग के संधि बिंदु A के संतुलन से सिद्ध किया जा सकता है कि दोनों का जो ये अपन उससे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्प्रिंगों में जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, y1 और y2, और कुल विस्थापन हो जाएगा, कुल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। अब हमने ये कहा है कि दोनों के अंदर जो प्रत्यानयन बल है वो सेम प्रोड्यूस होते हैं, तो हम अगर फॉर्मूला लगाए बल वाला प्रत्यानयन बल का, तो वो क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस K1 Y1 और F बराबर माइनस K2 Y2 हो जाएगा। और इन दोनों का जो प्रभावी बल नियतांक है वो F बराबर माइनस KY के बराबर हो जाएगा। हम सभी का मान इसके ऊपर लगा देते हैं, तो इसमें ऊपर समीकरण 10 में रख देते हैं y का मान, y1 का मान और y2 का मान इन समीकरणों से निकाल के। तो y का मान हो जाएगा माइनस f अपॉन k, इसका हो जाएगा माइनस f1 अपॉन k1 और इसका मान हो जाएगा माइनस f अपॉन k2। ff कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का जो मान है वो क्या आ गया, 1 अपॉन k बराबर 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k का मान आ जाता है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। अब हम ये तो ऑलरेडी सिद्ध कर ही चुके हैं कि ये जो स्प्रिंग के अंदर जो दोलन है वो सरल आवर्ती दोलन होते हैं, और उसका टाइम पीरियड भी हम पढ़ चुके हैं वो कितना होता है, 2π√m/k। लेकिन यहाँ पर जो k का मान है वो ये हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो इस प्रकार से t का जो मान है वो हमारा हो गया √2π√m(k1+k2)/k1k2। तो ये इस प्रकार से हमने स्प्रिंग के केस में हमने ये अध्ययन कर लिया। हाँ, इसमें एक बात और है, यदि अगर हम स्प्रिंग के ये भी सिद्ध किया जा सकता है कि अगर हम स्प्रिंग के n टुकड़े करें तो जो स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है वो उसका n गुना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में k डैश जो है वो n(k) के बराबर होता है। यहाँ पर अगर मैनी स्प्रिंग्स हो तो हम इसी हिसाब से k का मान अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो सरल आवर्ती दोलन के केस पढ़ेंगे वो है हमारा सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और उसका टाइम पीरियड भी हम ज्ञात करते हैं, और ये एक सरल आवर्त गति का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको हम पुनः पढ़ेंगे, हमने वैसे पढ़ रखा है लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक भारी लोलक लेते हैं और उसको एक किसी थ्रेड से बांधकर, एक रिजिड एंड से उसको बांधकर लटका दिया जाता है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं जो ये भारी जो लोलक है उसके कारण ही सारा द्रव्यमान है, और गोलक का द्रव्यमान उसके केंद्र पर हम सेंटर्ड मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं, और गोलक को उसकी साम्यावस्था की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, बहुत स्मॉल एंगल से हम उसको ऑसिलेट कराते हैं, तो वो क्या करता है, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक सरल रेखा में दोलन करने लगता है, ऑलमोस्ट
अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो मतलब हम जो एंगल रखते हैं वो बहुत ज्यादा छोटा रखते हैं। कम आयाम के दोलनों के लिए इस गोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। इसको हम देख भी लेते हैं इसके हम कि ये सरल आवर्ती गति की समीकरण का निर्धारण करता है या नहीं, इसको हम वर्कआउट करके भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ चित्र के अंदर एक गोलक ले रखा है हमने, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। हमने उसको थीटा एंगल से उसको विस्थापित कर दिया। तो जब थीटा एंगल से वो ए पोजीशन पे आता है तो उस वक्त इसके ऊपर गोलक पे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो एमजी बल नीचे की ओर और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे के अंदर तनाव। तो बल जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है वो एम इंटू जी है, और जो धागे के ऊपर की ओर लग रहा है वो हमारा तनाव है। अब क्या है, हम इस एम जी के दो घटक कर सकते हैं, एक तो एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। आप चित्र में बायोजोमेट्री देख सकते हैं, ये थीटा है तो ये आसानी से हम थीटा मान सकते हैं। तो इस कारण से इसके दो घटक हो जाएंगे एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब एम जी कॉस थीटा जो है वो धागे की दिशा के में ही कार्यरत है, तो टी जो बल है, तनाव बल है, उसके अनुदिश कार्य करता है और उसका संतुलन कर देता है। एम जी साइन थीटा जो बल का घटक है वो क्या करता है, वो कण के ओ की तरफ लगता है, मीन पोजीशन की तरफ लगता है, तो वो इस पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ धकेलने में मदद करता है, या हम ये कह सकते हैं यही आपका प्रत्यानयन बल है। तो हम प्रत्यानयन बल का सूत्र क्या लिख सकते हैं, माइनस एम जी साइन थीटा। अब हमें पता है कि अगर थीटा का मान बहुत कम हो तो रेडियन में नापने पर साइन थीटा और थीटा का मान करीब करीब बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस एम जी थीटा। अच्छा, साथ ही हम प्रत्यानयन त्वरण का मान निकालते हैं, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एम नहीं लिखा हुआ, प्रत्यानयन त्वरण जो है वो एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो एम से जैसे ही हम भाग लगाएंगे एम कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जी थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब थीटा का मान भी हम चित्र से ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है किसी भी उसमें थीटा का जो मान है वो चाप बटा त्रिज्या के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर चाप कितना है, चाप तो हो गया ओ ए, और त्रिज्या जो है वो हमारी इस धागे की लंबाई के बराबर होगी। तो उसी आधार को मानते हुए हम यहाँ पर चाप और त्रिज्या का मान रख देते हैं। इसको तो हमने लिख दिया प्रत्यानयन त्वरण को, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस जी ओ ए अपॉन एल, एल जहाँ पर धागे की लंबाई है। तो ये ओ ए है ये हमारा विस्थापन है, तो इसको हमने एक्स लिख दिया। तो हमारे पास फॉर्म क्या आ गया, माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम इसके अंदर आसानी से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर त्वरण है वो विस्थापन के समानुपाती है, जो कि सरल आवर्त गति के लिए एक आवश्यक प्रतिबंध है। इसलिए ये सरल लोलक की जो गति है वो एक सरल आवर्त गति होनी चाहिए। अब हमारे को पता है अगर सरल आवर्त गति होती है तो उसका आवर्त काल हम कैसे निकालते हैं, उसका आवर्त काल होता है हमारा टी अपॉन 2π ω0, है ना। अब ओमेगा जीरो इस वाली जो ऊपर जो समीकरण हमने निकाली है उससे ओमेगा जीरो स्क्वायर क्या लग रहा है आपको, ओमेगा जीरो स्क्वायर लग रहा है जी अपॉन एल, तो हम इसको जी अपॉन एल लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब हम टाइम पीरियड के अंदर जी अपॉन एल लिख रहे हैं तो क्या आ गया, 2π√L/g, जो कि टाइम पीरियड का आपका सूत्र आ गया। तो किसी सरल लोलक के आवर्त काल जो है वो लोलक की लंबाई पर और उस स्थान के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके बराबर होता है। आयाम पर वो निर्भर नहीं करता, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि थीटा जो है
वो छोटा होना चाहिए। अगर थीटा आयाम अधिक है, अगर आयाम अधिक होगा तो थीटा छोटा नहीं होगा, और थीटा छोटा नहीं होगा तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर नहीं मान सकते। ऐसी स्थिति में जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे वो हमारे एनहार्मोनिक ऑसिलेशंस कहलाएंगे, अप्रसंवादी ऑसिलेशंस दोलन कहलाते हैं। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो है हमारा कंपाउंड पेंडुलम। अब कंपाउंड पेंडुलम भी हम विस्तार पूर्वक 12th क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही ये एक एग्जाम्पल है इसलिए हम इसे पुनः पढ़ेंगे। तो कंपाउंड पेंडुलम हम किसी किसको कहते हैं, अगर किसी दृढ़ पिंड के को किसी बिंदु से लटका के वर्टिकली उसको लटका दिया और उसको फ्रीली उसको ऑसिलेट करने को छोड़ दे तो वो हमारा पिंड लोलक कहलाता है। तो हमने यहाँ डायग्राम में देखो पिंड लोलक दिखा रखा है और उसको जो सस्पेंशन पॉइंट है उसका जो निलंबन बिंदु है वो एस है। तो क्षैतिज अक्ष के प्रति यह ऊर्ध्व तल में दोलन कर सकता है। पिंड का द्रव्यमान एम है और जी पिंड का गुरुत्वीय केंद्र है। जी जो है वो जहां पर सारा मास केंद्रित होता है और एस से जी की दूरी जो है वो स्मॉल एल दे रखी है। अब हमने क्या करा, उसकी जो संतुलन की स्थिति है उससे थीटा एंगल से उसको विस्थापित कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रभाव के कारण कोणीय गति मतलब वो घुमाने का उसको प्रयास करेगा। पूरा घूमता नहीं है लेकिन वो उसका रोटेशनल वो उसके अंदर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल आघूर्ण जो है वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है वो, क्योंकि आपने उसको मूल स्थिति से उसको थीटा कोण से विस्थापित कर दिया इसलिए उसके अंदर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अच्छा, बल आघूर्ण जो होता है वो बल इंटू आघूर्णी भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ चित्र के हिसाब से वो किसके बराबर हो जाएगा, एल इन यहाँ से जी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो एल जी हो गया, तो हमारा भार तो है एम इंटू जी और आघूर्णी भुजा हो गई एल जी। तो हम इसको माइनस, क्योंकि प्रत्यानयन बल है, माइनस एम जी एल इंटू एल जी लिख लेते हैं। अच्छा, एल जी का मान हम एल साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये थीटा है और ये एल है, तो हम ये वाली जो परपेंडिकुलर है वो एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। नेगेटिव साइन वही शो करता है कि वो थीटा को विरोध करता है हमेशा, बल आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर भी हमने क्योंकि थीटा छोटा रखा है तो साइन थीटा की जगह हम थीटा रख सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टो बराबर माइनस एम जी एल थीटा। अच्छा, अब हमें मालूम है टॉर्क जो होता है उसको हम लिख सकते हैं आई इंटू एल्फा, जहाँ आई उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण है और एल्फा उसका कोणीय त्वरण है। साथ ही साथ हम जानते हैं कोणीय त्वरण को, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सारा मान हम ऊपर समीकरण एक में रख देते हैं। तो समीकरण एक में रख दिया तो आपके पास समीकरण आ गई, इसको थोड़ा रीअरेंज करा तो आपके पास समीकरण आ गई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा। अब अगर इस समीकरण को हम देखते हैं तो ये सरल आवर्त गति की समीकरण है क्योंकि इसका फॉर्म उसी प्रकार से है, और इस समीकरण के आधार पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर माने तो ओमेगा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एम जी एल अपॉन आई हो जाएगा, है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और रीअरेंज करेंगे तो ये हो गया। तो ये जो समीकरण आई है ये हमारी पिंड लोलक की गति की समीकरण है, और ये जो है वो हमारा सरल आवर्त गति के समान ही है। अब इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टी अपॉन टू पाई ओमेगा जीरो हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा का जो मान है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करें
तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? वैसा ही होगा जैसे हम सरल आवर्त गति में एक्स का निकाला था, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर थीटा जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई हमारा फेज कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय आवृत्ति है, और थीटा जीरो उसका एम्पलीट्यूड या आयाम है। और टाइम पीरियड हमने जैसे पहले कहा था 2π/ω होगा, तो वो हो जाएगा 2π/√mgL/I। ये आपका टाइम पीरियड निकल गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और आएगी, वो ये है कि जो गुरुत्वीय केंद्र है वो g है, तो जी से जो भी एक्सेस पास होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसका मान हमेशा आई जीरो बराबर एम के स्क्वायर होता है, जहाँ के जो है वो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो घूर्णन घूर्णन त्रिज्या जिसको हम कहते हैं, तो हम अगर सस्पेंशन बिंदु के अबाउट निकालना चाहते हैं आई का मान, तो वो क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पर आई बराबर आई जीरो प्लस एम एल स्क्वायर, क्योंकि आई जीरो से जी से एस की दूरी एल है, तो वो प्लस एम एल स्क्वायर हो जाएगा। आई जीरो का मान रख दिया और m कॉमन ले लिया, तो i का मान आ गया m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये हम मान ऊपर वाले उसके अंदर रख सकते हैं, उसको रख देंगे तो हमारे पास t क्या आ गया, t बराबर 2π m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन m g l आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करके मैंने l से भी डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास फाइनली टाइम पीरियड आया 2π k स्क्वायर अपॉन l प्लस एल होल अपॉन जी। ये हमारा टाइम पीरियड है किसी पिंड लोलक का। अब ये के स्क्वायर एल प्लस एल को हम कैपिटल एल से मानो निरूपित करें, तो आपका फॉर्म क्या बन जाएगा, टी बराबर 2π√L/g बन जाएगा। यहाँ पर जो एल है वो इस जोड़ के बराबर है, और इसको हम कहते हैं कि एक काल्पनिक, अगर इसको हम पिंड लोलक से को हम सिंपल पेंडुलम से रिप्रेजेंट करें या रिप्लेस करें, तो उसकी जो लंबाई होगी वो इसके कैपिटल एल के तुल्य होगी, इसलिए हम इसको एल को कहते हैं लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, तुल्य सरल लोलक की लंबाई। के स्क्वायर अपॉन एल को हम सरलता के लिए एल डैश ले लेते हैं, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक L और ये आपका L डैश। तो ये जो दूरी है, ये जो पॉइंट O आया है, ये पॉइंट आपका कहलाता है दोलन केंद्र, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब S और O के अंदर एक बड़ा रोचक होता है, अगर हम O से सस्पेंड करें तो क्या होगा, तो हमारा ये जो इनके मध्य की जो दूरी है L वो फिक्स रखी जाती है। तो चाहे आप O से सस्पेंड करें चाहे S से सस्पेंड करें, दोनों ही स्थितियों में टाइम पीरियड हमारा सेम रहता है। क्यों? क्योंकि O से निलंबित करेंगे तो क्या होगा, O से G तक की जो दूरी है वो हमारी हो जाएगी K स्क्वायर अपॉन L डैश प्लस L डैश G, ऐसे लिखेंगे। और L डैश का मान अगर हम रखें और सिंप्लीफाई करें तो टाइम पीरियड वही प्राप्त होता है जो हमारा पहले S पे सस्पेंड करने पर था। इसलिए हम कह सकते हैं S और O को उलट पलट कर देने पर हमें टाइम पीरियड हमेशा वही प्राप्त होता है। तो इसके अंदर हमारे, अभी हम इसको ग्राफिकली भी समझेंगे, इसके अंदर हमारे पास यदि मतलब किसी भी पिंड लोलक में चार ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमारा टाइम पीरियड सेम प्राप्त होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लैब में भी प्रयोग करके देखते हैं और ग्राफ विधि से हम इसको सिद्ध भी करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे और बाकी के जो और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।